दोस्तों 13 दिन की बेसिक लेशन के बाद आज का दोस्तों इस सब्जेक्ट का लास्ट लेशन मेरे पास है, ड्रीम लिस्ट इनविटेशन फॉर द प्लान फॉलोअप टेक्निक 100% इगर बी ए टीम प्लेयर। और दोस्तों लास्ट आज का क्लोजिंग टेप बुक फंक्शन से दोस्तों मैं आपको करने जा रहा हूं, इस बिजनेस की 8वां स्टेप टेप बुक फंक्शन के ऊपर में आप जाएं। टेप बुक फंक्शन टीबीएफ क्या है दोस्तों, इसको आप समझते हैं। टेप बुक फंक्शन, नो ट्रेनिंग नो लर्निंग नो अर्निंग नो ट्रेनिंग नो चेक, ए नारा ए मिशन, 1:10 teach, 1:10 teach का फॉर्मूला। एक आदमी 10 आदमी को बिजनेस सिखाना है, आपने 10 को प्लानर बनाना है, आपने 10 को 100% ईयर बनाना है, आपने 10 आदमी को गोल सेट कराना है, आपने 10 आदमी का लिस्ट बुक बनवाना है, आपने 10 आदमी को इनविटेशन करना सिखाना है, आपने 10 आदमी को प्लान दिखाना सिखाना है, आपने 10 आदमी को 33 क्वेश्चन आंसर अपने टीम में याद करवाना है। देखो मिशन, आप 10 आदमी को आप 100% टीचर बनाना है, 10 आदमी को रजिस्ट्रेशन कराना सिखाना है, आपका बिजनेस कैसे नहीं चलेगा दोस्तों। आज आपके पास इतना बेहतरीन चीज है, हमेशा एक लाइन से मैं बात करता हूं, टेप अच्छा सुनो अच्छा बोलो। बापूजी क्या बोलते थे, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो, और हम बोलते हैं दोस्तों अच्छा सुनो अच्छा पढ़ो अच्छा देखो, बुरा जोड़ना ही नहीं। 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट का ट्रेनिंग पर डे मॉर्निंग अपडेट और अपडेट में आप 45 मिनट आते हो, 20 मिनट किताब सोने से पहले पढ़ो, जो भी आप पढ़ते हो उस किताब को दोस्तों आप 20 मिनट पहले पढ़ो, ऐसे फ्लैग लगाओ। देखो ऐसे अपने किताब के अंदर में दोस्तों जहां हम पढ़ करके अपनी फ्लैग लगाते हैं, ऐसे दो ऐसे जो भी आपको बुक पढ़ना है ऐसे पढ़ते रहो, तब जाके दोस्तों आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और 1 महीने में एक फिजिकल फंक्शन में आओ आप कभी भी बिजनेस में निगेटिव नहीं आएंगे। आप देखिए आपका मोमेंटम कैसे बनता है, कैसे आपकी घर और गाड़ियां निकलती है, घर और गाड़ियां खरीदते हैं। व्हाइट टेप दोस्तों, टेप क्यों सुने दोस्तों, मुझे याद है जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, स्टार्टिंग के दिनों में जब दोस्तों मुझे अरविंद सर मिले थे दोस्तों, उस टाइम मुझे ट्रेनिंग सुनने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं होता था, हम लैपटॉप में अपनी स्पीकर लगा करके दोस्तों, और अपने नौकरी में जाने से पहले मॉर्निंग में जो दोस्तों हमें 7:30 से 8 घंटे के बीच नहाने धोने का टाइम मिलता था, मेरे घर के अंदर में दोस्तों मेरा ट्रेनिंग चलता था। 8 स्टेप ट्रेनिंग, मतलब घर से निकलने से पहले मैं ट्रेनिंग सुन करके एनर्जी से लबालब पूरा मेंटेनेंस अपने माइंड को करके दोस्तों फील्ड में निकलता था। और डीडी कैसे नहीं फटेगी, डीडी कैसे नहीं आएगी, मिशन मेरा आर्मी का दोस्तों पॉकेट में कंबार्ड ड्रेस के अंदर मेरे पास दोस्तों उस टाइम 70,000, 90,000, 1,00,000 रुपए, 2-2 लाख रुपए दोस्तों साइड में पड़ते साइड में। आज तो पैसा देखने को मिलता नहीं, सब ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पैसा रखता था दोस्तों मैं 10 डीडी 8 डीडी ऐसे क्लोजिंग करके शाम को रात 12 बजे घर में एंट्री होती थी, सुबह 8 बजे नौकरी में निकलना कंबार्ड ड्रेस में, उसके बाद धीरे धीरे जब छुट्टी मिलती थी तब दोस्तों जाकर के मैं अपना बिजनेस पर फोकस करता था, क्योंकि मेरी नौकरी की लास्ट तमन्ना थी कि मैं 15 साल नौकरी करना है, इसके बाद मैंने कोई ना कोई व्यापार करना है, और बिजनेस उस टाइम दोस्तों मिला था। दिन रात वो दिन है और आज के दिन दोस्तों हमने सेफ शॉप के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, पर डे सुबह 7 बजे और 8:15 अगर मैंने आपको ट्रेनिंग नहीं दिया हो, जो भी मेरे सिस्टम के अंदर में एक बार काम शुरू करता हूं उसको दोस्तों खत्म नहीं करता हूं, सक्सेस का मेरा राज है। तो एक बार सुबह जगने के बाद रात को सोने से पहले ओनली फॉर सेफ शॉप, इसके अलावा और अपने दिमाग में कोई बात चलता नहीं। सेल्स क्लोजिंग लगातार टेप आज भी दोस्तों हम सुनते हैं। आज मेरा टाइमिंग ट्रेनिंग सुनने का सुबह 5 बजे से लेकर के और दोस्तों 6:20 तक दोस्तों मैं ट्रेनिंग सेशन में वॉकिंग करते करते हम अपना ट्रेनिंग सुनते हैं दोस्तों, ये मेरा फॉर डे का वन मल्टीटास्किंग करता हूँ दोस्तों, वॉकिंग भी एक्सरसाइज भी और प्लस ट्रेनिंग भी सुनता हूँ पर डे। सेल्स टेक्निक को कैसे बढ़ाना है पर डे दोस्तों मैं इस पे बात करता हूँ। व्हाई पीपल फेल, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं उसके ऊपर मैं ट्रेनिंग सुना, लोग तेजी से कैसे ग्रोथ करते हैं इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग सुना, लगातार अलग अलग सेशन दोस्तों हम चले। क्या दोस्तों आप इस तरह से क्या प्रोडक्टिव टाइम में ट्रेनिंग सुनने का टाइमिंग सुबह 8 बजे से पहले 8:15 बजे मैं आपका टाइम क्लोजिंग करता हूं,
अगर आप दिन के टाइम में ट्रेनिंग सुन रहे हो दोस्तों, और आप दिन में काम करने का टाइम होता है, ट्रेनिंग सुनने का टाइम, बहुत लोग दिन में 11 बजे ट्रेनिंग सुनते हैं, 2 बजे ट्रेनिंग सुनते हैं। ट्रेनिंग सिलेक्टेड होना चाहिए, डाउनलोड आपके मोबाइल में होना चाहिए, जो फालतू की ट्रेनिंग नहीं सुनना चाहिए, जिससे आपका सेल्स क्लोजिंग हो, जिससे आपका टीम में बढ़ोतरी हो, वही ओनली फॉर ट्रेनिंग सुनना है। फालतू की आप यूट्यूब घुसोगे, यूट्यूब के अंदर में घुसते इस सीरीज में जहां घुस गए दोस्तों, रात को 2 बज जाएगा, आप कुछ भी फायदा नहीं ले पाएगा। ट्रेनिंग सुनते हो जितना उसका डायरी में रफ यूज करो, डायरी में मेंटेन करते चले जाओ, लिखोगे सुनोगे लिखोगे ज्यादा याद होगा आपको ट्रेनिंग, लिखोगे सुनोगे ज्यादा। मैं इसलिए बोलता हूँ ना दोस्तों, जब भी आप में ट्रेनिंग बैठते हो आप साथ साथ लिखा भी करो, रोज लिखा करो, ट्रेनिंग लिखो, अपना नोट्स बुक बनाओ, मेरा बात सुन करके। मोबाइल में कोई नहीं पढ़ता है, किताब सब लोग पढ़ते हैं, अगर नहीं होता दोस्तों हम इस तरह से किताबें खरीद खरीद करके क्यों पढ़ते दोस्तों, आप बताओ, हम नहीं पढ़ते। इसलिए दोस्तों ट्रेनिंग सुनो और ट्रेनिंग को लिखो, ट्रेनिंग सुनो ट्रेनिंग को लिखो, एक काम करो हमेशा, तब जाकर के दोस्तों आपका काम पड़ेगा। प्रोडक्टिव टाइम्स में ट्रेनिंग नहीं सुनना है, ट्रेनिंग सुनने का सुबह 8:15 से पहले, रात को 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद जब आपका काम खत्म हो जाता है तब ट्रेनिंग। तो दोस्तों एक रूटीन बना लें, जैसे मेरा अगर आप पूछे रूटीन क्या है, तो मैं सुबह 5 बजे से लेकर के 6:20 तक ही मैं ट्रेनिंग सुनता हूँ, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं दिन में कभी भी ट्रेनिंग नहीं सुन सकता, कभी भी दोस्तों सोशल मीडिया पर टाइम नहीं बर्बाद करता, फेसबुक में खोलता भी नहीं दोस्तों कभी भी, कभी फेसबुक में पोस्ट भी नहीं करता, तो फालतू का दोस्तों अपना समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं उस सब चीजों से नहीं जुड़ता। अपने काम के मैटर जो भी व्हाट्सएप पर हमारे मोबाइल में फालतू का ग्रुप को दोस्तों मैं लेफ्ट कर जाता हूँ, किसी फालतू के ग्रुप में नहीं रहता हूँ, जिसमें दोस्तों आजकल दुनिया भर की इमेज फोटो ये सब चल रहा है। आप कल जन्माष्टमी का देखेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर में दोस्तों 3-3, 4-4 हजार फोटो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फोटो रिपोर्ट हो रही है, इसके लिए लोगों के पास बहुत समय है। तो आप टू द पॉइंट काम करें और सही काम करें दोस्तों। तो ट्रेनिंग सुनने का जो टाइम है आपका, वो मॉर्निंग में आप अपना निर्धारित करिए, सुबह 5 से 6 बजे तक बस, उसके बाद आपने मॉर्निंग अपडेट में आ गए, काम खत्म, इसके बाद दिन में बंद, इसके बाद बिजनेस की प्रोडक्टिव आवर्स पर दोस्तों आपने ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा साथियों? ट्रेनिंग एट स्टेप, ट्रेनिंग अपने लीडर्स का यूट्यूब से कलेक्शन, आप ट्रेनिंग फ्रॉम यूट्यूब से बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग अपने लीडर जो आपने कलेक्शन किया उसे लीजिए, कलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग, लिसन 30 मिनट पर डे जो मैंने बोला मॉर्निंग में, और डायमंड स्टोरी भी सुनिए, बीच बीच में डायमंड स्टोरी सुनिए दोस्तों, आपको अपने सेफ शॉप में कम से कम 1000 डायमंड की डायमंड स्टोरी है, मेरे लैपटॉप में 50 डायमंड की डायमंड स्टोरी है। तो आप जितना ज्यादा डायमंड स्टोरी सुनोगे उसमें से कोई ना कोई डायमंड की स्टोरी दोस्तों आपके साथ को रिलेट करेगा, और उससे दोस्तों आपको डायमंड बनने के लिए बहुत बड़ा इंस्पायर होना, इंस्पायर मिलता है दोस्तों, आप इंस्पायर होते हैं। फाइट बुक्स, बुक्स दोस्तों आपको जैसे मैंने बता दिया, रात को सोने से पहले बुक्स कहाँ से लेंगे, अगर दोस्तों आप डायरेक्ट सेलिंग पर बुक पढ़े, हमें दोस्तों इसका रिसर्च और पीएचडी नहीं करना है। मैं आपको बता दूं 4000 बुक दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग पर है, लेकिन हमारा जो बेसिक किताब है जीने की आजादी दोस्तों, क्या इसको आपने पढ़ा है, क्या इसको याद किया है, 33-34 क्वेश्चन से याद किया है, इसमें ड्रीम्स बनाने की फॉर्मूला, लिस्ट बनाने का फॉर्मूला, सेफ्स ऑफ बिजनेस को क्यों करें, आए आपको इम्प्लाइड सेल्फ इम्प्लाइड बिजनेसमैन इन्वेस्टर के ऊपर में बातचीत की गई है, बहुत सारा वर्कशॉप के फायदे क्या है, इसको पहले दोस्तों याद करिए, क्योंकि इसको ना करके बड़े बड़े मोटे मोटे किताब पढ़ना शुरू कर जाते हैं, 4 का टीम नहीं बनाया, लीडर्स बन गए दोस्तों बिजनेस के अंदर, तो इस बिजनेस में कभी लीडर्स ना बने, आप सही बोलते हैं, कभी अपने आप को लीडर्स ना बोले, हवा में उड़ जाओगे, लैडर बन जाओगे, लीडर बनोगे तो। हमेशा दोस्तों दिल से काम करें। 6 टाइप ऑफ कैटेगरी का बुक्स आपको अपने जीवन में पढ़ना चाहिए, जैसे जैसे आपका शुरू में छोटा छोटा किताब, हम तो बोलते हैं दोस्तों सिल्वर बनने तक ना आप ओनली फॉर अपने जीने की आजादी बुक पढ़िए, और सिल्वर बनने तक दोस्तों बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं सवाल ही जवाब पढ़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कैसे समय पढ़ने के बाद आप अच्छी अच्छी किताब, नेटवर्क मार्केटिंग पर बुक पढ़िए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बुक, बिजनेस एंड मैनेजमेंट के ऊपर बुक, योर एबिलिटी एंड अर्निंग्स मनी के ऊपर में बुक, माइंड बॉडी और स्पिरिट्स के ऊपर बहुत सारे बुक है, हेल्थ फैमिली एंड सेल्फ हेल्प बुक है, ये सब दोस्तों जब आप डायमंड बन जाते हैं तब पढ़िए, बस नॉलेज में रखिए लेकिन डायमंड बनने तक पढ़िए। हम ज्यादातर बुक ट्रेन सफर में पढ़ लेते हैं, एक बुक ट्रेन सफर में खत्म हो जाती है दोस्तों, अगर 24 घंटे की सफर है बहुत पढ़ते हैं किताब,
उसमें ऐसे पढ़ करके आप अपना बुक पढ़िए, ऐसे अपने आप को। जैसे मैं अभी दोस्तों सितंबर से फिर हमारी यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि मैं एक महीने के अंदर में मिनिमम 3 संडे को कहीं ना कहीं बाहर रहता हूँ दोस्तों। 3 संडे को कहीं ना कहीं बाहर रहना है दोस्तों, आप उसमें अपनी किताबें एक अपने लैपटॉप बैग में साथ में रखते हैं, और दोस्तों ट्रेन में बाकी चार लोग गप मारते हैं, कोई ताश के पत्ता खेलता है, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई फंक्शन नहीं, गोली मारो, किताब को किसी नेटवर्क से जरूरत है नहीं है। फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, 2 घंटा का समय मिलता है फ्लाइट में पढ़ने का, और जल्दी से दोस्तों किताब पढ़ते, ऐसे समय को यूटिलाइज करो दोस्तों, और ऐसे पढ़ाई करो, आपका बिजनेस में काम तेजी से होगा। ये सारे बुक्स है डायमंड बनने का। देख रहे दोस्तों, जीने की आजादी, रिच डैड पुअर डैड, सोचिए और अमीर बनिए, ये सारे दोस्तों आपका बुक्स है। हाँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी सीखड़ा का, सवाल ही जवाब, लोक व्यवहार में कुशलता, प्रभावशाली व्यक्ति का कला, अमीर की 5 नियम, दौलत के नियम, बड़ी लैंग्वेज, सारी बुक है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएंगे। द पॉजिटिव ऑफ थिंकिंग, शिखर पर मिलेंगे, जुड़ो जोड़ो जीतो कैसे, अपने लीडर्स, अपने टीम के लीडर्स को डेवलप कैसे करें, जॉन सी मैक्सवेल का है प्रभावी लीडरशिप के सूत्र क्या है, अपने भीतर छुपे हुए लीडर्स को कैसे आप पहचान सकोगे, द सेक्रेट, ये सारे बुक्स को दोस्तों आप ऐसे पढ़ सकते हो। लक्ष्य सेक्रेट तो दोस्तों हमारे पास, आप इसका ट्रेनिंग, वीडियो ट्रेनिंग भी आप हिंदी में इसको सुन सकते हैं, बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। हम तो बोलते हैं सेक्रेट्स को दोस्तों 1 महीने के अंदर एक बार इसकी वीडियो को सुनना चाहिए, एक बार इस किताब को 2 से 3 महीने में दोस्तों रिपीट करना चाहिए। देखिए दोस्तों आपका बिजनेस से बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता है, और फंक्शन बहुत बड़ी पावरफुल चीज है दोस्तों। हमने डायमंड फंक्शन देखने के बाद, हमारा विजन बना था डायमंड बनने का, दिशा वर्कशॉप में जाने के बाद दोस्तों आपका विजन बनेगा दोस्तों डायमंड बनने का, मैं बता दूं। इसलिए फंक्शन की एक फॉर्मूला है, हमेशा याद करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ फंक्शन का एक फॉर्मूला है। अगर वीकली ट्रेनिंग हो रहा है, आप ब्रॉन्ज बन गए हैं, चाहे आपकी 10 की भी टीम बन रही है, तो शुरू से एक आदत डालिए लेफ्ट और राइट दोनों टीम को लेकर के चलने का शुरू से। अगर आप लीडर फंक्शन में अपने सिटी में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लोग 100% बैठना चाहिए। आपकी काउंसलिंग, आपकी होम मीटिंग कैसा है, आपका टूल्स प्रमोशन कैसा है, आपको टिकट प्रमोशन कैसा करते हैं, इसके ऊपर फोकस करता है। फंक्शन की प्रमोशन आपको करने आता है कि नहीं, ये सब चीज दोस्तों हमारे पास, जब हमारे ग्रेट मेंटर किसी का भी प्रोग्राम हुआ हमारे शहर में दोस्तों, हमने अगर मेरे को टारगेट मिला कि 300 लोगों को बैठाना है, तो दोस्तों मैं 450 लोगों को बैठाता था। 1 हफ्ते लगातार टिकट प्रमोशन में घर घर जा करके और अपने अप्लायंस का वीडियो दिखा करके, और अब बताते थे कि ये हमारे शहर में आने वाले हैं और हम इनसे आपको मिलाने वाले हैं, ये भी एक आम आदमी थे, और ऐसे करके उनकी खूबियां बता करके दोस्तों एडिफिकेशन करके हम भर देते थे। मेगा फंक्शन में, आउट स्टेशन वर्कशॉप हरिद्वार में, कोर ट्रेनिंग गोवा में, दिशा वर्कशॉप में, हर जगह अपने लोगों को भरने का आदत सीखिए। दमदारी से प्रेजेंटेशन करिए, लोड ना लीजिए। देखिए अब दिशा वर्कशॉप हो रहा है, बहुत सारे सिल्वर और प्लैटिनम लीडर का लेवल का लीडर्स अपने टीम से 30-30 लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे पर लेवल का लीडर अपने टीम से 4 लोग को नहीं ला रहे हैं। तो दोस्तों किसका टीम आगे बढ़ेगा, एक प्लैटिनम का कि एक पर्ल का, एक प्लैटिनम का कि एक गोल्ड का, एक प्लैटिनम का कि कोरल का, आप समझिए। फिर लोग बोलते हैं सेप्स ऑफ बिजनेस बहुत खराब है, हमारा चेक नहीं बन रहा टाइम पे, कैसे बनेगा, आप बात नहीं मान रहे हो। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको सिस्टम की बात मानना ही पड़ेगा, अप्लायंस के साथ लुपी पकड़ करके चलना ही पड़ेगा। हम जो आपको बार बार समझा रहे हैं लेकिन दोस्तों आपके दिमाग पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है दोस्तों, आपका बिजनेस कैसे तेजी से आगे बढ़ेगा। इफेक्ट दोस्तों इफेक्ट डालो, दिशा वर्कशॉप का, कोर ट्रेनिंग्स का, आउट सेशन का होगा, प्रमोशन नहीं करने आ रहा, सीखो। हम एक एक शहर में जाकर के दोस्तों 7-7 दिन की कैंप करते हैं, कैंप एक शहर में 7 दिनों का, एक एक बेंदी से मिलता हूँ, बेसिक लेवल पे बातें सीखता हूँ। मैंने बहुत शहर में ऐसा गया जो बहुत सारे लीडर अपने टीम के लीडर को दबा कर रखते हैं, अपने अप्लायंस से मिलने नहीं देते हैं, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। एकदम फ्रीडम छोड़ो अपने टीम को, फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा बैठाओ टीम, तब जाकर के दोस्तों एनर्जी से लबालब होगी, तब दोस्तों जा करके आपके टीम के अंदर में दोस्तों मोमेंटम क्रिएट होगा,
अदरवाइज दोस्तों आपके टीम के अंदर में मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा। तो टेप बुक फंक्शन इज द पावरफुल पार्ट्स ऑफ आवर सेफ ऑफ बिजनेस, टीबीएफ शॉर्ट में टीबीएफ, और जिसके टेप बुक फंक्शन जिसके टीम में चल रहा है टीबीएफ टीबीएफ टीबीएफ, उसके टीम में ड्रीमर भी होंगे, ड्रीम्स भी बनेगा, लिस्ट भी बनेगा, इन्विटेशन भी होगा, फॉलोअप भी होगा, सेल्स भी निकलेगा, हजार हजार की चेक की लाइन लगेगी उसके टीम में, हजार की। आपके टीम में कितने लोग 1000 का चेक बनाए, ध्यान दिया आपने, काउंटेबल किया कि इस वीक में मेरे टीम में 4 आदमी का 1000 का चेक बना है। आप अगर दोस्तों फ्रेशर और ब्रॉन्ज पे काम कर रहे हो, सिल्वर पे, अगले में 7 आदमी का टारगेट ना हो कि मेरे टीम में 1000 का, बस कहीं फोकस नहीं। ये 1000 का चेक जो है दोस्तों आपके टीम के अंदर में, यही दोस्तों आपके टीम में लेवल इनकम दिलाएगा, यही दोस्तों कंपनी का सारा अचीवमेंट कराएगा। दोस्तों हजार, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ दोस्तों, ये मेरा प्रतिज्ञाया हुआ सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ डुप्लीकेट दिस साइकिल, क्योंकि जितना मोटिवेशन दोस्तों पैसा आने से होता है ना, उतना मोटिवेशन किसी चीज से नहीं होता। इसलिए अगर आपके टीम में फर्स्ट परचेजिंग से हजार हजार का चेक निकलना शुरू हो रहा है, आपके नेटवर्क में इसका डुप्लीकेशन चल रहा है, तो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से दोस्तों आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपके टीम में ड्रीम का सेशन चेक किया है, लिस्ट मेकिंग सेशन आप कर रहे हैं, इनविटेशन पर फोकस आप कर रहे हैं, टीबीएफ के बाद ये सारी चीज दोस्तों आपकी दम लगाना कम हो जाएगा, ये सारी चीज दोस्तों आपको ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक चीज लास्ट में बताता हूं, ये 4 पिक्चर हैं, मैंने इसमें से दोस्तों कोई पिक्चर नहीं देखा, मैं इनका नाम जानता हूं बस, रईस टाइगर जिंदा है दंगल, रईस मैं क्या बोलता हूं सेफ शॉप में सब डायमंड बनना चाहते हैं, जो इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है वो दोस्तों सारे लोग इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बनना चाहते हैं, और हम सारे लोग दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बनना चाहते हैं तो रईस मींस रईस बनना चाहते हैं, और रईस बनना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि आप अपना ड्रीम्स बुक में जो गोल सेटअप किया है, गोल सेटअप का फॉर्मूला दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, उसके हिसाब से ही आप रईस बनेंगे, और उसके लिए आप ट्रेन दंगल करना जानते हैं। दंगल मींस आपका जो फॉलोअप पार्ट है और आपका प्लान का पार्ट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, फॉलोअप और प्लान का पार्ट मजबूत, और बंदे के पास प्लान लेना शुरू कर दिए इतनी दमदारी से बंदे का आंख नहीं झपकना चाहिए, दम आपको ही सुने, आपकी ही बात सुने, ऐसा प्लान लेना चाहिए, और ऐसा दोस्तों उसके साथ फॉलोअप दीजिए, इसको बोलता हूँ दोस्तों दंगल, सेफ शॉप की भाषा में दंगल, प्लान और फॉलोअप दंगल है, समझ गए ना दोस्तों। रईस आपका पार्ट ऑफ द ड्रीम्स गोल, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है मतलब आपका गोल इस दिल के अंदर में जिंदा है दोस्तों, काम होगा, होगा दोस्तों काम, और इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, ताकतवर सुल्तान, मतलब अगर बंदे के सामने बैठ जाओ बंदा हिल जाना चाहिए, डीडी तो कहीं ना कहीं से निकाल करके पूरा करके 10-12 हजार 15 हजार रुपए देगा, और 3 बैंक में उसका अकाउंट है तो किसी में से दोस्तों 7 हजार निकालेगा, किसी में से 3 हजार, सब अकाउंट जीरो कर देगा, लेकिन आपको सेल्स दे देगा, और इसकी काबिलियत आपको सेफ शॉप का वर्कशॉप से, आपका सेफ शॉप का बेसिक ट्रेनिंग से, मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड से, इसी सब चीजों से दोस्तों आपको काबिलियत मिलेगी। जो बंदा इस बिजनेस को करने का ट्रेंड हो गया, 100% यूजर बन गया, प्लानर बन गया, ट्रेनर बन गया, मार्केट में निकलेगा तो दोस्तों सुल्तान तो बनेगा ना, बाजू उसके फड़फड़ाएंगे कि नहीं, और सुल्तान रहेगा दोस्तों 100% दंगल करने में डरेगा नहीं, एकदम पटकी मारेगा ही, और दोस्तों 100% अपना गोल को अचीव करेगा, यस और नो। इसलिए आपको रईस बनना है तो टाइगर को जिंदा रखने के लिए, दंगल करने के लिए आपको प्लान फॉलोअप पर दोस्तों लगातार फोकस करना ही होगा, और वो वही करते हैं जो दोस्तों इस बिजनेस को सीख जाते हैं, ऐसा नो साथियों, और जो इस बिजनेस को सीख जाते हैं वो काबिल बन जाते हैं और इस बिजनेस में आगे काम कर जाते हैं, ऐसा नो। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, जीवन के अंदर में आपके जीवन में 2 चीजें मिलने वाली है, ये 2 शब्द याद रखिए, घंटा और समुद्री जहाज, घंटा और समुद्री जहाज याद है। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, एक व्यक्ति दोस्तों वो एक चर्च का पुजारी था,
अनपढ़ आदमी था, उसको दोस्तों चर्च के पुजारी को, उस चर्च के पुजारी को दोस्तों वहां पर जो वहां जो उनकी पादरी समाज के लोग थे, जो उनके गुरु थे, उन लोगों ने वहां पर पढ़े लिखे व्यक्ति को रखने के लिए वहां पर दोस्तों पेपर में इश्तेहार निकाल दिया और उस व्यक्ति अनपढ़ था, उसको चर्च से दोस्तों बाहर कर दिया गया। 30 साल से लगातार उस चर्च में नौकरी करता था, जहां पे दोस्तों नौकरी करता था चर्च में, उसके बाहर जब उसको नौकरी से निकाला गया, एक बोरी बिछा करके छोटा सा, और वहां पे दोस्तों एक तंबाकू की दुकान डाल दिया 1-2 हजार रुपए लगा करके। धीरे धीरे दोस्तों उसकी जो तंबाकू की दुकान थी, क्यों खोला कि यहाँ पे वही लोग आते हैं मंदिर मस्जिद में, बड़ी टेंशन वाले लोग आते हैं, धीरे धीरे उसका खोखा में दुकान बदल गया। कुछ समय बाद उसकी जो दुकान थी दोस्तों खोखा से उठ करके बहुत बड़े लेवल पर जाने लगा। इसके बाद कंपनियों में बदल गया, वो बहुत अरबपति आदमी बन गया दोस्तों, बहुत बड़ी उसकी टीम काम करने लगी। मंदिर में एक दिन गया था दोस्तों बैंक में पैसा निकालने के लिए, अरबों रुपए अकाउंट में होता था। पैसा निकालने के लिए जब सिग्नेचर करने के बाद, जिसका बैंक में बहुत पैसा होता है ना दोस्तों, उसको वहां का मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं उसको। तो मैनेजर की चेम्बर में बैठ करके मैनेजर ने उनसे एक बात पूछी, वो बंदा बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 50 लाख रुपए निकालना था, अंगूठा लगाया। मैनेजर ने बोला सर एक बात पूछूं, बोला पूछिए। बोले आप अनपढ़ आदमी होते इतना पैसा कमा रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप कितना पैसा कमाते। तो जानते हो तो तंबाकू खाने वाला व्यक्ति ने क्या बोला, तंबाकू बेचने वाला बोला अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं मैनेजर आपके तरह घंटा बजा रहा होता, घंटा। और घंटा बजाना समझते हो, सुबह 10 बजे नौकरी में जाना, शाम को 5 बजे नौकरी में आना। आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में 90% लोग दोस्तों कहीं ना कहीं घंटा बजा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों घंटा के तरह बज भी रहे हैं। ये सुनो, यहां नौकरी गए, यहां रिज्यूम दिया आउट, यहां नौकरी में गए गेट आउट, अगले जब नौकरी में गए गेट आउट, करते करते 40 साल का उम्र उनका गुजर जा रहा है, 45 साल का उम्र गुजर जा रहा है, उसके बाद जीवन झंड है फिर भी घमंड है। यस और नो दोस्तों, घंटा की तरह लोग मार्केट में बच रहे हैं। हम बोलते हैं कि दोस्तों डंका के चोट पे, कि अगर आपने गलती से सेफ फॉर बिजनेस को ज्वाइनिंग कर गया है, गलती से किसी कारण बस आप सेफ फॉर बिजनेस में आ गए दोस्तों, और यहाँ पर कदम रख दिए हो ओखली के अंदर, अगर सीट डालोगे ना तो कैसे भी ओखली ही कूटती है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पर कदम रख दिए हो तो यहाँ पे समुद्री जहाज बन जाओ। समुद्री जहाज तूफान से भी लड़ता है, कभी रुकता नहीं है, लगातार दोस्तों चलते रहता है। तो दोस्तों आपको आज डिसीजन लेना है मेरा इस ट्रेनिंग के बाद, या आप घंटा बन करके अपने जीवन बिताना चाहते हो, एकदम शेर की तरह दहाड़ करके समुद्री जहाज बन करके दोस्तों अपने जीवन को बिताना चाहते हो, चाहे तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, ये अपना काम करना बंद नहीं करता। सेफ शॉप का जो रियल एडवाइजर है, जिसके खून के अंदर में सेफ शॉप घुस चुका है, वो व्यक्ति दोस्तों कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वो बकरी नहीं है जो पीछे मुड़कर देखे, उसको कोई शेर खा जाएगा, कोई चरवाहा हाँकेगा, कोई भेड़ नहीं है दोस्तों। आज आपको डिसीजन लेना है मेरा स्टेप ट्रेनिंग के बाद दोस्तों, आप इस बिजनेस में घंटा बनना चाहते हो कि दोस्तों समुद्री जहाज चाहते हो। आज आपको डिसीजन लेना है दोस्तों कि आप आज यहां पर भेड़ बनना चाहते हो या सेफ शॉप में जीवन जी करके शेर बनना चाहते हो। आज आपको लेना है दोस्तों कि आप इस बिजनेस को दम से जीना चाहते हैं अपने जीवन को, कि दोस्तों आप गम से जीना चाहते हो। आज आपको डिसीजन लेना है दोस्तों कि आप गम में रह करके अपनी जिंदगी काटना चाहते हो या दोस्तों दम से अपनी जिंदगी जाना चाहते हो। दो प्रकार के लोग होते हैं जो इस कोरोना काल में, एक जो गम में जीता है, नीचे दोनों की पिक्चर देख रहे हो ना, एक तो बोलता है कि सारी दुनिया की बोझ हम उठाते हैं, एक बाएं वाला बोल रहा है एक ऊपर में विपत्ति पड़ी हुई है, और जो सेफ शॉप वाला एडवाइजर है दम से जीता है दोस्तों, दम से जीता है। हमने अपनी प्रोग्रेस दोस्तों लॉकडाउन में भी दोस्तों कम नहीं होने दिया, हमने अपना चेक दोस्तों लॉकडाउन में भी नहीं कम होने दिया, लगातार बैटिंग 250 ज्वाइनिंग सेफ शॉप में अगले एक साल में जेपी सिंह ने करवाया 250 ज्वाइनिंग, और आज भी लगातार ज्वाइनिंग पर डे 5 प्लान 6 प्लान अभी भी दोस्तों हमारा है। कैसे नहीं चलेगा प्लान, कैसे नहीं नेटवर्क दोस्तों बनेगा, ये दम आपके अंदर में होना चाहिए।
मेरी जिंदगी में मेरी बहुत मुश्किल हालात है। दमदार व्यक्ति क्या बोलता है, मेरी जिंदगी तो बहुत शानदार हो गया है सेफ शॉप में आने के बाद। यहाँ तो मॉर्निंग ट्रेनिंग भी मिलती है, अपलाइन का सपोर्ट भी मिलता है, सिस्टम का सपोर्ट भी मिलता है और कंपनी का सपोर्ट। यहाँ तो काम करने की मजा ही कुछ अलग है साथियों, अलग ही मजा है। यहाँ बोलते हैं मेरी तो फटी पड़ी है, मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मेरे को मत टोको, मुझे दिशा में जाने के लिए मत बोलो सर जी, अब मेरा हो गया, मैं तो सिल्वर बन गया, मैं तो ब्रॉन्ज बन गया, अब आगे में से कुछ नहीं हो रहा है। उसका बस वो 10 आदमी के ज्वाइनिंग करने के लिए बिजनेस में आया था, कौन वो गम वाला बंदा। अरे दोस्तों, एक मारुति सुजुकी शोरूम वाला ने और अपनी दुकान खोला है, कार की शोरूम डाला है, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं डाला है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि फर्स्ट और सेकंड गियर ही आपको अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों छूटेगा, बिजनेस तो बाद में कोल्ड कॉलिंग पर ही आएगा। मुझे तो मजा आ रहा है काम करने में, टीम के ऊपर काम, टीम के ऊपर मैं काम। आपका लिस्ट खत्म हो गया, टीम को पकड़ लो, उसके लिस्ट पे काम करो, उसका लिस्ट खत्म हो गया, उसके टीम में घुस जाओ, 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 घुसते जाओ, घुसते जाओ, घुसते जाओ, समुद्र गहराई है पता ही नहीं चलेगा, घुसते जाओ, कोई हर आदमी नए मिलेंगे जो बोलेगा मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। घुसते जाओ टीम के नीचे, टीम के नीचे, घर बैठे हैं आधा घंटा बात कर लिया। अरे इतना प्लान आपके पास होना चाहिए, फुर्सत ना मिले आपको, खाने का फुर्सत ना मिले आपको, नहाने का फुर्सत ना मिले, और गलती से सुबह 6 बजे आप नहीं नहाए तो आपको सेफ शॉप का मतलब ये होता है एडवाइजर कि रात तक उसको ब्रश करने का फुर्सत ना मिले, उसको बोलते हैं सेफ शॉप एडवाइजर। उसका धंधा चलता है, उसका धंधा जो दम में जीता है लोग, उसका धंधा ऐसे चलता है। ये हमेशा बोलते हैं 20 आदमी का टीम बना के, मेरी जिंदगी अब झंड है, झंड है, तो जा भाई अपने शहर का 44 छत पे चढ़ करके कूद जा, मर जाओ इसे कूद करके, तेरे जीवन अब झंड हो गई, अब खत्म है यार। तू इतना दिन के तू कायर है, तू समाज के कायर आदमी, तेरे तो छाती के अंदर में गोली ठोक देना चाहिए, कायर आदमी। और ये बोलता है जो दमदारी से जीने वाला, बोला सर मैं अब करके दिखाऊंगा, देखो सर कैसे मेरा सेल्स बढ़ रहा है, कैसे मेरा शहर बढ़ रहा है। कल शाम को 10 बजे हमारे टीम के एक ब्रॉन्ज लीडर है मनीष जी, मैं फोन किया सर मैं आज छपरा बिजनेस करने जा रहा हूँ। बोला वेरी गुड टाइगर, वेरी गुड, जो ये नहीं सोचा बंदा और शाम को 6 बजे आया, उसका धंधा नहीं चलेगा। परसों दिन बंदा बिहार शरीफ में बिजनेस करने गया बिहार में, कल चला गया दोस्तों छपरा में बिजनेस। जिसके पैरों में शक्कर है और जो सोचता है कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध के रखा हूं, मेरा घुंघरू टूट ना जाए, मैं अपने पैरों और हाथों में मेहंदी लगा कर बैठा हूं, मेरा मेहंदी कहीं चिपक न जाए, उसका धंधा चलेगा। कि जो एकदम रफ एंड टफ है, रफ एंड टफ है, रफ एंड टफ है, लगातार प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो पर दोस्तों लगातार फोकस कर रहा है, तो धंधा किसका चलेगा दोस्तों, लगातार प्लान फॉलो का, लगातार प्लान फॉलो का धंधा चलेगा। मैं तो फेल नहीं हो सकता है, बोलता मैं फेल होने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। सेफ शॉप मिल गई, अप्लाइन डायमंड बना है, तो दोस्तों डायमंड बनूंगा। चेंज करो माइंडसेट को दोस्तों, अमेजन गोबर बेच करके पैसा कमा रहा है आपके, हमारे पास तो दमदारी का प्रोजेक्ट है, सूट और बूट पहन करके पैसा कमा रहा है। अच्छा सूट बूट टाई, गाना गाओगे साला मैं तो साहब बन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, ये बिजनेस दोस्तों स्मार्ट बनकर करने का, बढ़िया घड़ी, बढ़िया रिंग, बढ़िया टाई, बढ़िया सनग्लास पहनकर करने का बिजनेस है दोस्तों, एकदम शानदार तरीके से। बाद में पूरा जीवन एसी, आपको पसीना बहाने के लिए जिम में जाना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा खाना पचाने के लिए, क्योंकि पूरा खाना ही बाद में आपका दोस्तों हेल्दी मिलता है। तब भी दोस्तों बोलते मेरे से नहीं हो रहा है, मर जाओ, पानी में डूब जाओ, डुबकी लगा दो। इतना शानदार बिजनेस अगर दोस्तों आप नहीं कर पा रहे हो, समझ गए मेरे साथियों, बात समझ में आ रहा है। एक निचोड़ बताता हूं आपको इस बिजनेस को करने का, जाते जाते 5 से 7 मिनट के अंदर में, दोस्तों 6 मिनट टाइम है, एकदम ये पिन पॉइंट है जो मैंने छांट करके सक्सेस में लिखा है। आपकी सफलता बिना अपलाइन की नहीं मिल सकती है, लंबी सफलता आप नहीं ले सकते हैं, अपलाइन इज द लाइफ लाइन आपका बिजनेस का। बिना डाउनलाइन की आपकी सफलता नहीं मिलेगी, डाउनलाइन इज द हॉट लाइन ऑफ द योर बिजनेस। बात समझते हैं, सिस्टम के बिना भी बहुत बड़ा सफलता नहीं मिल सकता है। वर्कशॉप जैसे OST आउटस्टेशन ट्रेनिंग्स एडवांस कोर मीटिंग दिशा, कहीं ना कहीं दोस्तों साल में आप एक दो लेते रहे, फाइन ट्यूनिंग लगातार अपने टीम में, अगर आप सिल्वर लेवल पर काम कर रहे हो तो पूरे टीम से फाइन होना चाहिए, ब्रॉन्ज पे काम करे पूरे,
ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर के बाद 150 आदमी से बात लगातार नहीं कर सकता एक प्लैटिनम, तो आप अपने ग्रुप को बांटो, गोल्ड नहीं कर सकता। लेकिन हर व्यक्ति को मेरा कहना है कि एक दिन के अंदर में मिनिमम 50 फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। कितना? 50 फाइन ट्यूनिंग। कितना? 50 फाइन ट्यूनिंग। वर्कशॉप एक साल में 3 बार आना ही चाहिए, सिस्टम को पकड़ कर रखना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन सिस्टम वर्कशॉप अपलाइन डाउनलाइन के बीच में एक फिर रिलेशन आता है। जब बिजनेस को बड़े लेवल पर करना शुरू करोगे तो रिलेशन गबड़ाएगा, उस रिलेशन को मेंटेन रखना है। कभी अपलाइन से गलती होगी, कभी डाउनलाइन से गलती होगी, दोनों का आपस में तालमेल मिलाना है। आपके हैबिट्स, आपके अंदर हैबिट्स क्या है, सक्सेस होने की हैबिट्स क्या है। एक दिन प्लान में जाते हो और दो तो 4 दिन नहीं जाते हो, तो आप सक्सेस होंगे नहीं होंगे। तो आपको अच्छा हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है। अपने अच्छे स्किल का बगैर आप भी नहीं सफल हो सकते, मतलब लगातार प्लान फॉलो अप ट्रेनिंग लेना ही है। अच्छे नॉलेज, इस बिजनेस की हर चीज की नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट डेमो की नॉलेज, प्रोडक्ट पार्ट्स की नॉलेज, 100% यूजर की नॉलेज। अपने टूल्स के बगैर भी आप सफल नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। टूल्स बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे कंपनी, अपने कंपनी सेफ जैसे महान नंबर वन कंपनी है तो आपकी सफलता निश्चित है। अपलाइन आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है तभी कहीं ना कहीं दिक्कत है। अपने फैमिली सपोर्ट अगर नहीं है तभी दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत होगा बिजनेस को आगे बढ़ाने में। अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ की सपोर्ट नहीं है, अगर आप वाइफ की रोल में हैं, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं सफलता में दिक्कत आएगी। अगर आप हस्बैंड बिजनेस कर रहा है तो वाइफ को सपोर्ट देना ही चाहिए। डुप्लीकेशन आपके टीम में कैसा हो रहा है उसको आप चेक कर रहे हैं। अपने हेल्थ भी ठीक रखें, दुनिया में कुछ भी कर ले दोस्तों, कसम खा लें 1 घंटा समय जो है वो मैं अपने हेल्थ के लिए दूंगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा कमा लूं, बोरे से पैसे कमा लेना, लेकिन दोस्तों अपने हेल्थ को समय देना। अपने मार्केटिंग स्किल पर डे फील्ड में निकलने की आदत आप डाल करके रखें। टीम के अंदर में मोटिवेशन स्किल हमेशा डाल करके रखें। अपने टीम में अच्छे डुप्लीकेशन, ये सारा चीज कम्युनिकेशन अच्छा अगर आप नहीं करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपका बिजनेस को चलने में दिक्कत होगी, समझ गया ना। पेशेंस आपको रखना होगा, साथ में दोस्तों एटीट्यूड अपना पॉजिटिव बनाना होगा। आपने सिंगल माइंड अप्रोच से काम, कुछ भी हो जाए हमें सेफ शॉप ही करना है, कुछ भी हो जाए सेफ शॉप में आगे बढ़ना। अगर आज 1500 से ज्यादा लोग डायमंड बन गए तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं, ऐसे सोचना है। जिस भगवान में आस्था रखते हो उस भगवान पे भी आस्था रखो। अपनी कैरेक्टर अच्छा बना करके रखो अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति। अगर 3 कार्डिनल रूल जानते हो 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करो, किसी से लेन देन कभी भी नहीं। अपने डाउनलाइन के साथ साइड एप्लीकेशन, कोई नया काम करने से पहले अपने अपलाइन से बातचीत करना जरूरी है। किसी की पति पत्नी से कभी खिलवाड़ नहीं करना है। 90% एक्साइटमेंट बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा, 2% फाइन ट्यूनिंग बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा। स्ट्रॉन्ग गोल, स्ट्रॉन्ग लिस्ट, स्ट्रॉन्ग लर्निंग के बिना आप आगे कैसे बढ़ोगे। टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए, या नहीं प्लान दिखाने का मैंने किसी को टाइमिंग दे दिया और उस टाइम पर दोस्तों प्लान दिखाने पहुंचा नहीं। मैं आपको सुबह 7:30 का टाइम दिया, जिस दिन दोस्तों मेरा नेटवर्क इशू होता है मैं रेडी होता हूँ कपड़े पहन करके। बड़ा अफसोस होता है कि आज मैं ट्रेनिंग सेशन नहीं किया, कल बहुत नेटवर्क खराब था मेरे साथ, बहुत खराब था। तो दोस्तों हम टाइम मैनेजमेंट का पक्के हैं, मतलब आप देखते हैं 8:15 के बाद 16 मिनट नहीं होता है मेरा जो है ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल, और उतने देर का ही ट्रेनिंग सेशन बनाता हूं कि 45 मिनट में खत्म हो जाए। जब दोस्तों बिजनेस में पैसा कमाने लगते हो थोड़ी अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करना शुरू कर दे। अपने परिवार के विदाउट सपोर्ट, जिस फैमिली में काम करते हो उसका प्रॉपर सपोर्ट करना आपकी जरूरत है। अच्छा, अपने बोलने की शक्ति, आप तो हमेशा पॉजिटिव बोले, निगेटिव तो कभी भी नहीं बोलना जिंदगी में। हम तो हमेशा बोलते हैं, अपने अप्लायंस को बोलते हैं दोस्तों, मैं अपने ग्रेट मेंटर को बोलता हूँ मैं सर सेफ शॉप से कम मिनिमम 100 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाऊंगा, 100 करोड़। अच्छा बोलो दोस्तों, 100 करोड़ कमाऊंगा तो दोस्तों 500 करोड़ ऑटोमेटिक बता दूंगा। 100 करोड़ का टारगेट करके मैं मिनिमम सेफ शॉप में काम करता हूँ। 100 करोड़ अपॉर्चुनिटी है, 18 रैंक जाते जाते हो जाएगा दोस्तों 100 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने टीम में अच्छा यूनिटी, बिजनेस को करने के प्रति समर्पण, ये सारे चीज। अपने टीम में को डेवलपमेंट हमेशा करिए। आप अकेले फील्ड में जा रहे हैं क्या, आपके टीम में कोई और फील्ड में निकलता है, आप अकेले ही प्लान फोल्डर पे हैं क्या, हर वीक में आप जो सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं वही आपका सेल्स क्लोजिंग हो रहा है कि क्या, तो आपका डाउनलाइन भी आपका सेल्स क्लोजिंग कर रही है।
और डाउनलाइन नहीं सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं तभी गड़बड़ है। डाउनलाइन का भी दोस्तों सेल्स क्लोजिंग होना चाहिए कि अपने अच्छे नए स्टेशन में सिस्टम कैसे डेवलप करें। बार बार कि आप एक ही शहर में लगे हो, एक ही शहर में काम करो, नो आपकी बहादुरी नहीं है। तो बोला जाता है ना, मुर्गी का अंडा दोस्तों अगर एक ही टोकरी में रख दिया जाए और गलती से साइकिल गिर गया, सब अंडा टूट जाएगा। शहर बढ़ा लो, शहर बढ़ा लो, शहर बढ़ा लो। गुजरात में कोरोना ज्यादा है, बिहार में कम है। केरल में कोरोना ज्यादा है, बंद है, तो हमारा बिजनेस दोस्तों बिहार में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, समझ गए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, हर जगह चल रहा है जहां कोरोना कम है। केरल में ठप है ना, बाकी जो तो चल रहा है। इसलिए दोस्तों आपका बिजनेस हर जगह बढ़ना चाहिए, हर जगह बढ़ना चाहिए, ये बात आप समझ जाओ। यह सारी हैबिटेट्स जो मैं आपको दोस्तों निचोड़ बता रहा हूं, अगर हम इसको डेवलप कर लेते हैं तो इस बिजनेस में डायमंड क्या दोस्तों, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको सक्सेस, आपको सिग्निफिकेंस बनने से दोस्तों दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप इस तरह की प्लानिंग करके दोस्तों आप इस बिजनेस को करते हैं। तो लास्ट में दोस्तों मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग का मतलब समझते हो, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारा विचार। आप क्या सोचते हो, किसके संगत में रहते हो, किसके साथ बैठना उठना है, अपने मस्तिष्क को नियमित सफाई करने का मतलब आप ट्रेनिंग में आते हैं, अपने दिमाग से वायरस को खत्म कर रहे हैं, एंटीवायरस अपने माइंड को मजबूत कर रहे हैं कि मैं भी एक दिन रिचेस्ट मैन बनूंगा, मैं अपने टीम में लोगों को रिचेस्ट बनाऊंगा, अपने टीम में लोगों को हेल्प करूंगा। भगवान हमेशा क्या बोलते हैं, बिलीविंग गॉड ही विल डू यू हाफ वर्क। भगवान बोलते हैं पहले आधा कर बच्चे, उसके बाद ऑटोमेटिक आधा तेरा हो जाएगा। पहले तू कर, शुरुआत कर। पहले घंटा बजाने लगे मंदिर में जाके, भगवान मेरे को दे 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 दे, फील्ड में नहीं निकल रहे हो, डायमंड बना दे, भगवान डायमंड नहीं बनाएंगे ऐसे। बोला बेटा पहले तप, पहले तप, सूरज की तरह तपना होगा, सोने की तरह तपना होगा, तब जाके सोना चमकता है दोस्तों, तब डायमंड आप बनोगे। ही हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। समझ